चैप्टर थ्री का हमारा क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इतना दूर तक सी नंबर तक क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया था। आज करेंगे प्ले विथ वर्ड्स। ए, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू फॉर्म वर्ड्स यूज इन चैप्टर। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके वो लेटर जो है वो जम्बल्ड होके हैं, अनस्क्रैम्बल्ड है, मतलब वो क्या है, उल्टे पुल्टे करके दिए गए हैं, उसको हमें सीधा करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो वन नंबर HROUGH, इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा THROUGH, थ्रो, थ्रो यानी कि फेंकना। नंबर टू FULGRAET, इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा GRATEFUL, यानी कि ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब है आभारी यानी कि कृतज्ञ रहना। नंबर थ्री ELISDOUS, इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेलीसियस, DELICIOUS, डेलीसियस का मतलब है स्वादिष्ट। नंबर फोर PROEDPIMS, इसको अगर हम सजा कर लिखेंगे तो PROMISED, प्रोमिस्ड, प्रोमिस का पास्ट फॉर्म हो गया प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड का मतलब है वादा करना। अभी देखो नंबर फाइव PLICANOM, इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा COMPLAIN, कॉम्प्लेन, कॉम्प्लेन का मतलब है शिकायत करना। नंबर सिक्स RESAVT, इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्टार्व, STARVE, स्टार्व का मतलब भूखा रखना यानी कि खाना नहीं देना। नंबर सेवन EDERVSE, एडजर्व, इसको अगर हम सजा कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा DESERVE, डिजर्व मतलब तुम इसी लायक हो यानी कि यही तुम्हारे लिए ठीक है। नंबर डी ORERDA, इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा रोड, ROARED, रोड मतलब जोर से आवाज़ करना यानी कि टाइगर लायन जो है वो रोड करते हैं यानी कि गर्जन करते हैं। अभी देखो नंबर बी फ्रेम सेंटेंस फ्रॉम द एबव फॉर्म्ड वर्ड, ये जो ऊपर हमने वर्ड्स बनाए इसको हमें सेंटेंस में यूज़ करना है, तो अपने मन से हम लोगों को सेंटेंस लिखना है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, देखो आप लोगों को भी ऐसे करके लिखना है। नंबर वन, नंबर वन में क्या है देखो, थ्रो, थ्रो, थ्रो को यूज़ करके हमें वर्ड बनाना है। थ्रो का मतलब है फेंकना, तो फेंकना या फिर थ्रो का मतलब है उसके ज़रिए, इसके अंदर से भी हो सकता है पागनी। तो यहाँ पे देखो द चिल्ड्रेंस आर लुकिंग थ्रो द विंडो, चिल्ड्रेंस आर लुकिंग थ्रो द विंडो, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लीज थ्रो द बॉल यानी कि बॉल को फेंको। नंबर टू वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर नेचर, ग्रेटफुल को लेकर हम लोग बनाए हैं ये वाला वर्ड ग्रेटफुल, हम अपने प्रकृति से हमेशा कृतज्ञ यानी कि आभारी रहना चाहिए क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। नंबर थ्री, नंबर थ्री में है डेलीसियस, डेलीसियस का मतलब है स्वादिष्ट, माई मॉम कुक्स वेरी डेलीसियस फूड, मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। नंबर फोर प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड का मतलब है वादा करना, आई हैव प्रोमिस्ड टू हेल्प हिम, मैंने उनसे मदद करने की वादा किया है। नंबर फाइव इफ़ यू डू दिस अगेन, देखो कॉम्प्लेन, कॉम्प्लेन का मतलब है शिकायत करना, इफ़ यू डू दिस अगेन आई विल कॉम्प्लेन टू द पुलिस, तुमने अगर ये काम दोबारा किया मैं पुलिस को कॉम्प्लेन कर दूंगा। नंबर सिक्स स्टर्व, स्टर्व का मतलब भूखे प्यासे मार देना, खाना नहीं देना। व्हेन एनिमल गेट्स ओल्ड ह्यूमन स्टर्व एंड किल देम, जब बुल्स यानी फिर बुल्स काओ और जैसे कि जो एनिमल्स हमें हेल्प करते हैं वो अगर बूढ़े हो जाएं तो ह्यूमन बींग क्या करते हैं, उनको खाना नहीं देते और मार देते हैं। तो आपको घर में करना है।